मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप प्रोग्राम। ठीक है, तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, वी स्टार्ट अवर सेशन विद आनंदम एक्टिविटी। क्लोज योर आईज, धीरे धीरे अपनी सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर माइंड, ऑन द थिंग्स, साउंड्स हैपनिंग अराउंड यू। और अपने मन और मस्तिष्क में पॉजिटिव चीजें लाएंगे, नेगेटिव बातें दिमाग में आएंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड ट्राई टू रिकॉल ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव शांत रहेंगे, आंखों पर प्रेशर नहीं डालेंगे और बहुत हल्के हल्के अपनी आंखों को खोल लेंगे। कम बैक, ओ थैंक यू। तो बच्चों, 8th क्लास में आई हैव स्टार्टेड टेंसेस और मैंने जो है आपको करा भी दिए हैं कुछ, कौन कौन से, प्रेजेंट के चारों सेक्शन आई हैव कंप्लीटेड, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के हाँ present and past I have completed both and today I will start with future। ठीक है, तो future के मैंने आपको बताया था, future के भी चार tenses होते हैं, कौन कौन से, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous। ठीक है, तो I have made you understand 8 tenses। ठीक है, अब हमारे कितने हैं, 4 are left जो future के हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज हम इनको, अब दो तो कंप्लीट करेंगे ही और कोशिश करेंगे कि अगर 3 भी हो जाए, लेकिन देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इनडेफिनिट से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आइए बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस जो है, फ्यूचर मालूम है आपको, भविष्य काल, जिस प्रकार से पास्ट प्रेजेंट के चार सेक्शन थे, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार पास्ट के थे पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम आए हैं फ्यूचर इनडेफिनिट पे। ठीक, तो फ्यूचर इनडेफिनिट जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस, जिसको अभी होना है फ्यूचर में। ठीक है, कोई ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होना है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आई शैल गो टू दिल्ली। ठीक, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक, आई शैल गो टू दिल्ली। ठीक, टुमारो कल, विल बी संडे, आज सैटरडे है तो टुमारो विल बी संडे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो काम फ्यूचर में होना होता है सिंपल, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी में समझते हैं, इसकी पहचान, पहचान क्या होती है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के शब्द अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, आपको पहचानना होगा तो आप कैसे पहचानोगे, जैसे लिखा राम कल विद्यालय जाएगा। ठीक, अब देखिए अंत में आ गया गा। ठीक, सीता घर पर खाना पकाएगी। गी, गा, गी के। ठीक है, कल बारिश होगी। ठीक,
कल पहचान, ठीक। कल बारिश होगी, ठीक है, गागी गे, ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में गागी गे इत्यादि शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? विल और शैल, ठीक है। विल किसके लिए यूज होता है? विल होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और शैल फर्स्ट पर्सन। आपको मालूम है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं? मालूम होगा, फर्स्ट पर्सन जैसे मैं हूं, ठीक है, आई वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ इस समय, जैसे तुम, यू, आप क्या हो? सेकंड पर्सन, ठीक, तुमसे बात कर रही हूँ। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई का यूज करते हैं और विल का प्रयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मोहन कल खेत जोतेगा, ठीक है। कल मोहन खेत जोतेगा, ठीक है, पिताजी ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो मोहन बिल, खेत जोतने की क्या होती है वह? प्लो, PLOUGH, ठीक है, प्लो द फील्ड टुमारो। आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं हम? टुमारो, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस लिखोगे आप, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, ठीक। आई शैल गो देयर, ठीक। तुम फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले द फुटबॉल, ठीक है। आप देखिए विल शैल का प्रयोग हो रहा है और साथ साथ फर्स्ट फॉर्म प्ले गो प्लो, ठीक है। तो हम हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम नॉट लगाते हैं। आपको मालूम है मैं शाम को नहीं खेलूंगा, मैं शाम को नहीं खेलूंगा। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाए जरूर देखें कि वो जो टेंस पढ़ा रहे हैं उस टेंस का है कि नहीं है, ठीक है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, इसलिए हमेशा देखें, ये आदत बना लें, गागी गे, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। आई शैल नॉट प्ले इन द इवनिंग, ठीक, नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, ठीक है, आई शैल नॉट हेल्प यू, तुम शाम को यहाँ नहीं आओगे, यू विल नॉट कम हियर इन द इवनिंग, ठीक, इस तरीके से। इंट्रोवर्टिव जब बनाते हैं तो आपको मालूम है शुरू में क्या लगाया, तो इंग्लिश जब बनाते हुए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, ठीक है। क्या मैं प्रतिदिन
मंदिर, विद्यालय तो खुल ही नहीं रहे हैं, मंदिर जाऊंगा। ठीक, इंट्रोगेटिव मार्क। शैल आई, शैल बाहर ले आए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, शैल लगेगा। शैल आई गो फर्स्ट फॉर्म टू द टेम्पल डेली। डेली क्या है? एडवर्ब भी है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपने समझा होगा। ठीक, शैल आई गो टू द टेम्पल डेली, ठीक है, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव। अब एक इंट्रोगेटिव वर्ड वाला, आप मेरी प्रतीक्षा कहाँ करोगे? वेयर विल यू वेट फॉर मी? ठीक, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप बनाते हैं इस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब विल शैल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ आप देखिए, ये सेंटेंसेस लिखिए, लीजिए, आई विल हेल्प हिम। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आपने तो आई के साथ शैल बताया है फर्स्ट पर्सन के साथ, लेकिन आपने विल लगाया है। ऐसे ही यू विल प्ले फुटबॉल, ये सिंपल है। नेक्स्ट, ही शैल क्लीन द रूम, यहां मैंने शैल लगा दिया ही के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, बल्कि क्या लगना चाहिए था? विल। नेक्स्ट, वी विल हेल्प यू, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है वी, आई वी, लेकिन क्या लगाया है? विल। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या प्रयोग करते हैं? जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। तो आपको समझ जाना है, उल्टा करते हैं, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग जब उल्टा करते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कोई इरादा हो, डिटर्मिनेशन हो, या किसी को आज्ञा दे, या धमकी हो, सहमति हो, या कोई प्रॉमिस को बताने के लिए हम ये क्रम उल्टा करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस लिखे, आई विल हेल्प हिम, तो ये दृढ़ निश्चय, मतलब ही वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प दैट पर्सन, तो इसलिए आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, यानी कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। ठीक, नेक्स्ट, यू विल प्ले फुटबॉल, ये सिंपल है, आपको दिखाने के लिए लिखा है, तुम फुटबॉल खेलोगे। ठीक, ही शैल क्लीन द रूम, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि ही हैज टू क्लीन द रूम, हैज टू सिखाया था मैंने आपको, हैज टू, हैव टू, करना पड़ेगा। ठीक है, ही हैज टू क्लीन द रूम, उसे कमरा साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही शैल क्लीन द रूम, जब हम ही के साथ शैल लगा तो वो गुस्से में, तो धमकी जैसी हो गई कि उसको कमरा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल हेल्प यू, ठीक है, बल्कि हम शैल की जगह आजकल जो व्यावहारिक इंग्लिश उसमें क्या लगाते हैं, ही विल, हम बोलते हैं ही विल हैव टू क्लीन द रूम, उसको कमरा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सही है, और ये अगर इस तरह से हो ही शैल क्लीन द रूम, तो ये भी सही है, दोनों का मीनिंग एक है। ठीक, नेक्स्ट, वी विल हेल्प यू, तो ये सहमति है, इरादा हमने सोचा हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचें, क्योंकि कभी कभी जब हमारा टेक्स्ट चलता है तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, तो आप ये ना सोचें कि ही के साथ शैल लगा है तो ये गलत है। ठीक है, उसका मीनिंग चेंज होगा वहां पर। ठीक, तो अब हम अपना नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन, चल रहा, एट सम टाइम इन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में, मतलब भविष्य में एक काम जो ऐसा जो दिख रहा हो कि चल रहा है। ठीक है, जैसे वह कपड़े धो रहा, इस समय वह कपड़े धो रहा होगा। ठीक है, माता जी सो रही होंगी। ठीक है, तो फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरे बच्चे खेल रहे होंगे। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस भी हैं, जुड़े हैं, क्लॉजेज हैं अलग अलग। ठीक है, जब मैं घर पहुंचूंगा माता जी सो रही होंगी। ठीक है, तो ये भी आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसे टेंस आते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था,
काम चल रहा होता था, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, यू यू आर स्लीपिंग, ठीक। पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, दे वर रीडिंग ए बुक, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, विल बी शैल बी का प्रयोग होता है और आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। ही विल बी रीडिंग द पेपर देन, वह उस समय पेपर पढ़ रहा होगा, ठीक है। व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, माई वाइफ विल बी कुकिंग, मेरी पत्नी जो है वो खाना बना रही होगी, ठीक है। देखिए पहचान, क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे आप हिंदी में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक। सीता खाना बना रही होगी, ठीक। मोहन घूम रहा होगा, ठीक है। माता जी पूजा कर रही होंगी, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं, लास्ट में रहा होगा, रही होंगे, ठीक है। हम कल पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, ठीक है। वही फर्स्ट पर्सन के लिए शैल बी, आई वी यू दे के लिए शैल बी, और ही शी इट दिस एकवचन के लिए विल बी, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द से सेंटेंस खत्म होता है। हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी होती है, जिसका प्रयोग करना जरूरी होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, मैं आज आज शाम को दिल्ली जा रहा हूंगा, ठीक है। मैं आज शाम को दिल्ली जा रहा हूंगा, ठीक। आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली दिस इवनिंग, ठीक। नेक्स्ट, माता जी पूजा कर रही होंगे, ठीक है। द मदर विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे। कल किसान खेतों में हल नहीं चला रहे होंगे, ठीक। द फार्मर्स विल नॉट
बी प्लोइंग, प्लोइंग द फील्ड्स टुमारो। ठीक है, इस प्रकार से ये नेगेटिव बनाएंगे आप, इसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, शुरू में क्या आ जाएगा तो आप क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आते हैं। ठीक है, विल बाहर आ जाएगा। ठीक है, विल द फार्मर्स, क्या किसान खेतों में हल चला रहे होंगे, विल द फार्मर्स बी प्लोइंग। ठीक है, प्लोइंग द फील्ड्स। ठीक है, और जब बीच में सेंटेंस आज बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है, कल किसान खेतों में किस समय लगा दिया मैंने, विच टाइम, व्हाट टाइम, किस समय। ठीक है, इसको काट देते हैं, किस समय हल चला रहे होंगे। ठीक है, एट व्हाट टाइम बाहर आ गया, व्हाट टाइम विल द फार्मर्स बी प्लोइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने टेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं सारे। ठीक है, विद प्लोइंग देयर फील्ड्स या द फील्ड्स, देयर फील्ड्स टुमारो। ठीक है, इंट्रोगेटिव आपको मालूम है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव मार्क बाद में रखना जरूरी है, और जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी तो क्या वाले सेंटेंस में आएगी, और जब इंट्रोगेटिव वर्ड किस समय, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये बीच में जब हिंदी बनाते हुए, हिंदी के सेंटेंस में जब ये बीच में होते हैं तो हम इन सबसे पहले इनको बाहर निकालते हैं, इनकी इंग्लिश बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट और विल के बीच में सब्जेक्ट रखते हैं, और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और इस तरीके से अपना सेंटेंस पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप जो है सेंटेंसेस बना लेंगे, और आपने ये सारे सेंटेंसेस कर लिए होंगे। ठीक है, और अब हम अगले सेशन में प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट लेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे, और उसके बाद एक ब्रीफ समरी लेके इन सारे टेंसेस की आपको एक्टिव पैसिव शुरू कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।